ऐसी टेक्निक बताऊंगा ना, आपकी गाड़ी कभी भी चढ़ाई पे पीछे नहीं जाएगी। जब आप गाड़ी उठाते हैं तो क्लच को एकदम नहीं छोड़ना है। देखिए, आप क्लच पे भी गाड़ी एकदम टर्न कर जाती है तो गाड़ी के आरपीएम इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप क्लच झटके से छोड़ेंगे तो गाड़ी एकदम से आगे से उठने की कोशिश करेगी। अब रोड की मार्किंग देख के ना आपको जजमेंट किस तरह से लेना है मैं आपको बताता हूँ। मैं क्लच दबाऊंगा, रेस नहीं छोड़ूंगा। देखिए, अब गाड़ी की आप आवाज सुनिएगा। आप भी व्हाइट मार्किंग में चल रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए आप दोनों की गाड़ी क्रॉस नहीं हो पाएगी साइड बाई साइड। वो पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा ना, आप हमेशा गड़बड़ करेंगे। क्लच को फुट ब्रेक को रिलीज करूंगा तो देखिए गाड़ी पीछे जा रही है। कई लोग ना हाफ क्लच में ही मतलब उनके गियर पहले एंगेज कर देते हैं और क्लच जो है बाद में डाउन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई जब भी हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं ना तो क्या दिक्कतें आती हैं गाड़ी के साथ कि गाड़ी कई बार जैसे ही रुकती है ना तो पीछे की तरफ जाने लग जाती है। और भी बहुत सारी दिक्कतें आती है हमें क्लच के साथ, ब्रेक के साथ, कि भाई कैसे कैसे उन्हें यूज़ करना है अगर हमारी गाड़ी अटक गई। साथ ही साथ अगर आप गाड़ी के गियर चेंज कर रहे हैं ना, गाड़ी कभी कभी क्या होता है कि रोड से दाएँ बाएँ हो जाती है। सारी चीज़ें हम रोड पर चलते हुए प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। कभी कभी होता क्या है कि हम क्लच ब्रेक एक्सेलरेटर के साथ कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं ना कि जो भाई दिक्कत करती है गाड़ी चलाते हुए। अब गलत चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। उन चीज़ों को अवॉइड कैसे करना है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कई लोगों को दिक्कत आती है कि जब भी वो गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं ना तो उनका जो गाड़ी का क्लच है ना ये झटका देता रहता है और गाड़ी बंद होती रहती है। अब देखिए, आप पैरों को मूवमेंट देख सकते हैं। आपको क्लच को ना जब आप गाड़ी उठाते हैं तो क्लच को एकदम नहीं छोड़ना है। देखिए, आप क्लच पे भी गाड़ी एकदम टर्न कर जाती है। अभी देखिए गाड़ी टर्न हो रही है और लास्ट मोमेंट में मैं ब्रेक लूँगा। अब जब मैं रिवर्स करूँगा ना, अगर आपको स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि हैंड ब्रेक को पुल कर सकते हैं। अब देखिए, हैंड ब्रेक के साथ गाड़ी को कैसे रिवर्स करना है। आपका गियर आप इंगेज रहने दीजिए, हैंड ब्रेक को धीरे से आपको डाउन करना है और उसी मोमेंट में आपको जो है क्लच को छोड़ना है। देखिए, अब मैं फुट ब्रेक से पैर हटा देता हूँ क्योंकि भाई इसका यूज़ नहीं है। क्लच मैंने प्रेस कर रखा है। अगर आपकी गाड़ी प्लेन सरफेस में है ना तो आपको रेस देने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लच के ज़रिए ही उठा सकते हैं। पर देखिए, आप आगे थोड़ा सा ढलान है तो भाई मैं हल्का सा रेस भी दूंगा और क्लच को धीरे से रिलीज़ करके और हैंड ब्रेक को डाउन करूंगा। तीनों मोमेंट आप एक साथ देखिएगा। हल्का सा रेस दी मैंने, क्लच को रिलीज़ करा और देखिए हैंड ब्रेक धीरे 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 डाउन करा। देखिए, ये देखिए, इस तरह से आप गाड़ी को उठा सकते हैं। किसी भी सरफेस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और अब देखिए, मैंने गियर इंगेज करा और देखिए गाड़ी बिना रेस के भी मोमेंटम गेन कर लेती है। अब देखिए धीरे से, अब मैं क्लच को रिलीज करके गियर पे गाड़ी को उठाऊंगा। अब देखिए धीरे से मैंने टर्न करा। इस तरह से आप गाड़ी को पिक कर सकते हैं, किसी भी सरफेस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए, कई लोग बोलते हैं ना कि भाई हमको रेस ज़्यादा देनी है। देखिए, बिना रेस के भी गाड़ी चलती रहती है, थोड़ा सा आरपीएम गाड़ी के रहते हैं अपने आप से ही, जिससे कि गाड़ी कभी दिक्कत नहीं करेगी। पर हाँ, जैसे आगे थोड़ा सा चढ़ाई आपको दिख रही है ना तो यहाँ पर मुझे हल्की सी रेस देनी पड़ेगी जिसके कारण मेरी गाड़ी झटके से बंद ना हो। तो यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा जब भी आप रोड पे चल रहे हैं ना, कि भाई जब भी आप गाड़ी कहीं पे रोकेंगे, अब कई लोग क्या बोलते हैं कि सामने से जैसे ही गाड़ी आती है और ब्रेक लेते हैं ना तो उनकी गाड़ी झटके से बंद हो जाती है। अब देखिए ऐसा होता क्यों है ना, क्योंकि आपका पूरा फोकस सिर्फ ब्रेक में और गाड़ी के जजमेंट में रहता है, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अब अगर ऐसी दिक्कत अगर आपके साथ भी आती है ना तो आप बस एक चीज़ करिए कि आप जो है ना अपनी गाड़ी के क्लच पे ज़रूर ध्यान दीजिए जैसे ही आप अपनी गाड़ी को रोक रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी को रोकेंगे नहीं ना तो आप जो है लास्ट मोमेंट में क्लच नहीं प्रेस करेंगे ना तो आपकी गाड़ी झटका लेके जरूर बंद हो जाएगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान जरूर रखना है। अब देखिए मेरा, आप पैर का मोमेंट देख सकते हैं कि मैं कैसे कैसे क्लच को दबा रहा हूं। मैं लास्ट मोमेंट पे ना अपना जो है क्लच को रिलीज कर दे रहा हूं और वो भी बिना झटके गए। अब देखिएगा आगे पे थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर है, मैं गाड़ी को थोड़ा सा हल्का करके दिखाऊंगा आपको। देखिए मुझे यहाँ पे ब्रेक लेने ना तो मेरी गाड़ी की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रही है तो बस मैं हल्का सा ब्रेक लूँगा जिससे मेरी गाड़ी जो है इजीली चलती रहेगी। पर अगर आपकी गाड़ी किसी भी पॉइंट पे हल्का सा स्पीड बहुत ज़्यादा गिरती है ना तो देखिए जैसे यहाँ पे स्पीड कम हुई, अब मैंने क्लच दबा के गियर को डाउन शिफ्ट कर लिया। इस तरह से ही आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है जब भी आप रोड पे चल रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ना, आपका क्लच आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, गाड़ी झटका नहीं लेगी। अब कई लोग क्या करते हैं ना, देखिए अभी मैंने रेस ज़्यादा नहीं प्रेस करी है, कई लोग क्या करेंगे ना, देखिए मैं क्लच दबाऊंगा, रेस नहीं छोड़ूंगा। देखिए अब गाड़ी की आप आवाज़ सुनिएगा, आरपीएम देखिए आपने यहाँ पे।
यही गड़बड़ होती है। और अगर इस टाइम पे अगर आप क्लच को एकदम छोड़ देंगे ना, तो गाड़ी जो है आपका झटका लेके एक तरफ भागने की कोशिश करेगी। अब ये गड़बड़ इसलिए होती है ना, क्योंकि भाई जब आप गाड़ी को चलाते हैं ना, तो अगर आपने अपना एक्सेलरेटर नहीं रिलीज करा, आप सिर्फ क्लच दबा रखा है आपने और रेस आपने नहीं छोड़ी, फिर आप गियर चेंज करेंगे ना, तो गाड़ी के आरपीएम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप क्लच झटके से छोड़ेंगे तो गाड़ी एकदम से आगे से उठने की कोशिश करेगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कभी भी। जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं ना, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो है, जब भी आप अपना क्लच प्रेस करेंगे तो आपको अपनी गाड़ी का एक्सेलरेटर रिलीज कर देना है। किसी भी पॉइंट पे आपको अपनी गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं पकड़ के रखना है, वरना होगा क्या कि आप जो है रेस देते रहेंगे और आपके आरपीएम बढ़ेंगे और झटका लेके आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। अब देखिए आगे से आ रही है गाड़ियाँ, जजमेंट के लिए मैंने आपको बताया था राइट कॉर्नर से गाड़ी बाहर रहेगी तो आपकी गाड़ी सेफली पास हो जाएगी, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बस इसी तरह से आपको गाड़ी चलाते रहना है। अब देखिए सामने से बड़ी गाड़ी आ रही है ना, कई लोग कहते हैं कि भाई गाड़ी आती है और हमारी गाड़ी झटका लेके बंद हो जाती है, तो आपको करना क्या है ना, जैसे ही आपको लगे कि मेरी गाड़ी नहीं निकलेगी ना, आप बस ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक के साथ लास्ट मोमेंट पे देखिए क्लच दबा दीजिए और डाउन शिफ्टिंग कर दीजिए। ये सही तरीका है गाड़ी को कंट्रोल करने का। अब देखिए यहाँ पर गाड़ी लेफ्ट राइट जजमेंट मुझे लेना है, ईजिली हो जाता है सब कुछ। अब देखिए सामने से गाड़ी आ रही है ना। एक और चीज़ आपको बताऊंगा जिससे आप गाड़ी का आइडिया ले सकते हैं। देखिए जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं ना, कई बार क्या होता है हम जजमेंट रोड की मार्किंग को देख के भी लेते हैं। अब रोड की मार्किंग देख के ना आपको जजमेंट किस तरह से लेना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए रोड की मार्किंग ना आपको अपनी गाड़ी के टायर का अंदाज़ा हो जाता है कि आपके टायर है कहाँ पे गाड़ी के। देखिए राइट साइड के टायर के लिए मैंने मार्किंग करी है। अब अगर मुझे राइट साइड के मार्किंग को मैच करना है ना, देखिए तो मैं मैच करूंगा। देखिए अब मेरे जो टायर है ना, ये बिल्कुल व्हाइट लाइन के ऊपर है, तो सामने वाली गाड़ी भी अगर आ रही है सामने से, उसके टायर भी आपको व्हाइट मार्किंग पे दिख रहे हैं, आप भी व्हाइट मार्किंग में चल रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए आप दोनों की गाड़ी क्रॉस नहीं हो पाएगी साइड बाई साइड। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप मार्किंग से भी जजमेंट ले सकते हैं ईजिली, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा कम हुई, मैंने डाउन शिफ्ट करा और सीधे फर्स्ट गियर पर डाल के अब देखिए क्लच को धीरे से रिलीज़ करा। एक और चीज़ आप देखेंगे, जो मेरा फुट मूवमेंट है ना, इसमें मैं भाई अपना जो पैर है ना, इसको देखिए मैं एकदम हवा में नहीं रखता हूँ पैर, मैं पैर को नीचे ही रखता हूँ, नीचे ही स्लाइड करता रहता हूँ। देखिएगा, देखा आपने, अगर आप इस तरह से गियर चेंज करेंगे ना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं। क्योंकि भाई गाड़ी चलाते हुए ना, कई लोग बोलते हैं कि हमारा जो क्लच है ना, हमें पता ही नहीं चलता कि किस टाइम इंगेज हो रहा है, कई बार वो अपने गाड़ी बंद कर बैठते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है जब भी आप चल रहे हैं ना, क्लच को आपको झटके से रिलीज़ नहीं करना है। अगर आप झटके से रिलीज़ करेंगे ना, तो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा झटका लेगी। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पर एक गियर चेंज करूँगा और गाड़ी देखिए कैसे झटका लेगी। देखिए लिया ना झटका, क्योंकि मेरा पूरा पैर हवा में था। हवा में अगर आपका पैर होगा ना, तो आपको अपने क्लच का बाइटिंग पॉइंट नहीं पता चलेगा। आप देखिए बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, जब आप जिस पॉइंट पे क्लच को रिलीज करते हैं ना, क्लच एक्चुअल में काम करता है, उस टाइम को बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट पे जाके क्लच अपना काम करता है। अगर वो पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा ना, आप हमेशा गड़बड़ करेंगे और चाहे कैसी भी रोड हो, कैसा भी ट्रैफिक हो, आपकी गाड़ी हमेशा झटका लेके बंद होती रहेगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं ना, क्लच को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी गाड़ी जो है झटका लेके बंद होती रहेगी। अब देखिए व्हाइट मार्किंग ना भी होना तो भी आप इजी जजमेंट कर सकते हैं। देखिए सामने वाला ऑब्जेक्ट सेंटर से आपके लेफ्ट में होना चाहिए और सामने से जो गाड़ी आ रही है, अगर पिलर से आपके, मतलब जो ए पिलर है उससे राइट होगी ना, तो आपकी गाड़ी सेफ रहेगी, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से ही आपको गाड़ी चलानी है। अब देखिए सामने हम ट्रैफिक में जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अब भीड़ में ना आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, गाड़ी या तो हल्की कर दीजिए या साइड में लगा दीजिए। अब देखिए आगे चढ़ाई भी है, मैं आपको रोक के बताऊंगा कि एक्चुअल में गाड़ी को उठाते कैसे हैं चढ़ाई में। अब देखिए सामने गाड़ी व्हाइट मार्किंग के राइट की तरफ है ना, तो भाई ईजिली मुझे जजमेंट हो गया है कि वो गाड़ी सेंटर मार्किंग से राइट चल रही है और मैं तो अपना लेफ्ट की तरफ चल ही रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। ये देखिए कितना क्लोज निकली है। अब मुझे लग गया था कि भाई गाड़ी नहीं निकलेगी, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है और अपनी गाड़ी को रोक दीजिए अगर आपको लग रहा है कि गाड़ी नहीं क्रॉस हो पाएंगी। ज़बरदस्ती गाड़ी घुसाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं कॉर्नर से आप अपनी गाड़ी को लगा देंगे। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं। अब देखिए क्लच मोमेंट आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम चढ़ाई है, मैं यहाँ पे आपको गाड़ी को रोक के दिखाता हूँ। देखिए क्लच दबाया मैंने और ब्रेक लेके गाड़ी को रोक दिया। अब ये देखिए एक्सट्रीम चढ़ाई है। अब अगर देखिए अगर मैं यहाँ पे फुट ब्रेक को रिलीज़ करूँगा तो देखिए गाड़ी पीछे जा रही है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है ना लोगों को, वो अपना गियर इंगेज करते हैं। देखिए फर्स्ट गियर लगाया और जैसे ही क्लच को छोड़ के ब्रेक को हल्का सा रिलीज़ करते हैं ना, गाड़ी पीछे जाने लग जाती है। अब देखिए
अब देखिए गाड़ी नहीं रुक रही है तो वो ऐसे में घबरा जाते हैं, बार बार गाड़ी बंद होती है, साथ ही साथ क्या होता है पीछे की तरफ भी गाड़ी लगी होती है जिससे वो गाड़ी को ईजिली पिक नहीं कर पाते। अब इसकी ऐसी टेक्निक बताऊंगा ना आपकी गाड़ी कभी भी चढ़ाई पे पीछे नहीं जाएगी। देखिए सबसे पहले अपना हैंड ब्रेक इंगेज कर दीजिए, फुट ब्रेक को रिलीज कर दीजिए। अब देखिए फुट ब्रेक नहीं दबाया ना, अब देखिए गाड़ी बिल्कुल भी पीछे नहीं जा रही है, फर्स्ट गियर इंगेज है। अब देखिए क्लच को धीरे से छोड़ना है, चढ़ाई ज़्यादा है तो रेस भी दीजिए हल्का सा और हैंड ब्रेक को डाउन करिए साथ साथ। अब देखिए हैंड ब्रेक डाउन हो गया है, देखिए गाड़ी एक इंच भी पीछे नहीं गई, बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ गई। पीछे चाहे आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चिपक के खड़ी हो ना, आपकी गाड़ी कभी भी पीछे नहीं जाएगी, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये टेक्निक आपको हमेशा अप्लाई करनी है जब भी आप गाड़ी को चला रहे हैं, स्पेशली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी को चलाना है जब भी आप कहीं पर प्रॉब्लम फेस करते हैं, या कई लोगों ने कहा था कि भाई चढ़ाई पे हमारी गाड़ी रुक जाती है, हमको पिक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए स्लो चलते रहिए, ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है रोड पे। अगर आप धीरे धीरे सीखेंगे ना, आपको अच्छे से गाड़ी का जजमेंट आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ये चीज़ तो हो गई भाई गाड़ी जब चढ़ाई पे रुकती है। अब एक और चीज़ आप प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब भी आप गाड़ी में गियर बदल रहे हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि भाई गियर अटकते हैं। अब देखिए अगर आप क्लच को पूरी तरह अंदर प्रेस नहीं करेंगे ना, तो आपकी गाड़ी के जो गियर है ना वो खटखट की आवाज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड लगेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि गाड़ी में जब भी आप गियर बदल रहे हैं ना, क्लच को पूरी तरह से प्रेस करिए। कई लोग ना हाफ क्लच में ही, मतलब उनके गियर पहले इंगेज कर देते हैं और क्लच जो है बाद में डाउन जाता है, तो क्या होता है गियर अटक जाता है। अब देखिए अब मैं गियर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, देखिए अब मैंने क्लच पूरा नहीं प्रेस करा, तो ठीक है ना ये पीछे ही नहीं आएगी और क्लच अभी पूरी तरह प्रेस नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, जैसे ही आप अपने गियर को स्लॉट कर रहे हैं, मतलब जैसे ही गियर आप लगा रहे हैं ना, उस टाइम पर आपका क्लच जो है पूरी तरह से प्रेस होना चाहिए। अगर वो पूरी तरह से अंदर की तरफ नहीं दबा होगा ना, तो आपका गियर ज़रूर अटकेगा और अच्छे से स्लॉट नहीं होगा। अब रिवर्स में भी ना कईयों को दिक्कत आती है कि उनके गियर जो है अच्छे से नहीं लगते हैं। अगर गियर आपका अटक रहा है ना रिवर्स में, उसके लिए आपको एक सही टेक्निक बताता हूँ। जब आप गियर लगा रहे हैं और गियर आपका लग ही नहीं रहा है रिवर्स में, तो आप बस एक काम करिए, थोड़ा सा आप क्लच रिलीज करके देखिए, आपका जो गियर है ना वो अपनी जगह पे आराम से बैठ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से ही आपको रिवर्स को लगाना है। अगर रिवर्स अच्छे से नहीं लग रहा है ना, तो बस हल्का सा क्लच को रिलीज करिए, गियर जो है स्लॉट हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कई बार ट्यूनिंग में भी गड़बड़ हो जाती है कि आपने क्लच टाइम पर नहीं दबाया और गियर जो है आपने गलत से स्लॉट कर दिया, तो भाई आपका गियर जो है अटकने लग जाएगा। तो इस तरह से ही आपको गाड़ी को चलाना है, धीरे धीरे चलिए। देखिए रोड पर आप इस तरह से ही चलाते हैं, जब शुरुआत में चलाते हैं ना, तो दोनों हाथ स्टेयरिंग व्हील पर ज़रूर रखिए। एक और यूज़र भाई ने मुझे बोला था कि भैया मेरा जो स्टेयरिंग है ना वो इधर उधर चला जाता है, या मेरी गाड़ी जो है अपना ट्रैक छोड़ देती है जब भी मैं गियर चेंज कर रहा होता हूँ। तो देखिए जब आप गियर चेंज कर रहे हैं ना, दो आदत आपको नहीं करनी है या दो गलतियाँ नहीं करनी है। एक तो अपने ना गियर स्टिक की तरफ बार बार नहीं देखना है, गियर स्टिक की तरफ अगर आप देखेंगे ना, तो भाई आपका जो फोकस है रोड से हट जाएगा। दूसरी चीज़, जब गियर चेंज करते हैं ना, तो कई लोग हाथ अपना यहाँ पर रख देते हैं, तो गियर चेंज करते हुए ना उनका बॉडी का मोशन लेफ्ट की तरफ जाता है और स्टेयरिंग ना ऐसे लेफ्ट की तरफ चला जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जो सही टेक्निक है ना, जब भी आप गियर चेंज करेंगे स्टार्टिंग के टाइम पे, तो भाई आपको ना 3 o'clock में अपना हाथ रखना है, और तब आप गियर चेंज करेंगे ना तो ये बैलेंस्ड रहता है। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, जब भी आप 12 o'clock में रख के हाथ गियर पे रखेंगे ना एक, तो आपका स्टेयरिंग ना दाएं बाएं ज़रूर जाएगा, ये गलती हमेशा होती है। पर अगर आपने 3 o'clock में रखा है ना, तो गलती की गुंजाइश कम होती है। तो इसलिए आपको हमेशा स्टेयरिंग को अच्छे से पकड़ना आना चाहिए, इसमें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, तो आप इसका भी ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, जब भी आप गाड़ी के स्टेयरिंग को पकड़ रहे ना, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना। अगर आप टाइट पकड़ेंगे ना, जितना ज़्यादा वेट आप इसमें डालेंगे, आपको गाड़ी को मोड़ने में ना इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, गाड़ी को सही से मोड़ें, ताकि भाई आपको दिक्कत ना आए और आप ईजिली किसी भी सिचुएशन से क्रॉस हो जाएं। तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो गाड़ी आपको इस तरह से ही चलानी है जब भी आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में हो। अब देखिए मैं आपको डाउनहिल में भी गाड़ी मोड़ना बताता हूँ कि भाई इजीली आप गाड़ी को कैसे मोड़ सकते हैं। देखिए मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है ना, तो मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए डाउनहिल में मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको गाड़ी को किस तरह से चलाना है। देखिए डाउनहिल में लोअर गियर्स में चलेंगे ना, इंजन ब्रेकिंग काम करती रहेगी। आप अपनी गाड़ी के ब्रेक हल्का हल्का यूज़ करते रहिए, क्लच मुझे दबाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी गाड़ी ऑलरेडी लोअर गियर्स में है। अब हायर गियर्स में रखेंगे ना, देखिए मैंने फोर्थ लगा दिया ना, अब मुझे भाई अगर मैं ज़्यादा ब्रेक लूँगा ना, तो मुझे क्लच भी साथ साथ प्रेस करना पड़ेगा, वरना गाड़ी जो है वाइब्रेट करती है। अब देखिए ये डाउनहिल है, यहाँ पर भाई गाड़ी को किस तरह से रोकना है सही तरीके से। देखिए डाउनहिल में कभी आप गाड़ी लगा रहे ना, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि भाई कॉर्नर आपको लगानी है ना, सेंटर से आप ये व्हाइट लाइन को मैच करिए। देखिए ये मैच हो चुकी है,
तो अब मेरे जो टायर है ना ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में जा चुके हैं, मतलब वाइट लाइन के ऊपर जा चुके हैं। तो दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, हमेशा आपको हैंड ब्रेक इंगेज करना है जब भी आप डाउनहिल में गाड़ी को रोक रहे हैं। अगर भाई ढलान बहुत ज़्यादा है, आप गाड़ी से बाहर निकलने वाले हैं, तो कोशिश करें गाड़ी बंद करने के बाद ना अपना जो है फर्स्ट गियर इंगेज ज़रूर कर दें या फिर रिवर्स गियर इंगेज कर दें। इससे होता क्या है, एडिड प्रोटेक्शन मिलती है गियर्स को और गाड़ी गियर में रहेगी ना तो गाड़ी जो है आगे की तरफ गलती से स्किड नहीं होगी। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो इस तरह से ही आपको गाड़ी को चलाना है। अब मैं यहाँ पर आपको टर्न करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में आपको टर्न करना कैसे। देखिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अगर ढलान है ना, इस पर आपको सबसे पहले करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको रेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाड़ी अपने मोशन से जाएगी। थोड़ा सा आपको अपोजिट तरफ मोड़ना है, जितना जगह आपको मिले जिससे आप इजीली गाड़ी को मोड़ सकें। अब देखिए टर्न लीजिए। अब कितनी जगह पे टर्न लेना है देखिए कि आपकी जो वाइट लाइन है ना वो आपकी जो अपोजिट मिरर है ना उसके नीचे पे आ जाए। अब देखिए यहाँ पे गियर इंगेज नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, हल्का सा क्लच को छोड़ूंगा ना, तो देखिए गियर इंगेज हो गया ना। अब देखिए मैंने बताया अपोजिट साइड में देखिए मिरर जो है आपका वाइट लाइन पे कोइंसाइड हो चुका है। अब आप अपनी गाड़ी को हैंड ब्रेक के साथ देखिए हल्का सा रेस देके क्लच के साथ पीछे कर सकते हैं देखिए, और फिर से हैंड ब्रेक लगा लीजिए और देखिए धीरे धीरे। मैं तो बिना हैंड ब्रेक के भी कर लेता हूँ, पर मैं आपको हैंड ब्रेक के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को ना दिक्कत आती है अगर वो बिना हैंड ब्रेक के गाड़ी को उठाते हैं, तो उनको ये समस्या आती है कि भाई वो हमेशा गलती करते हैं और गाड़ी झटके से बंद होती रहती है। हैंड ब्रेक के साथ ना आपकी गाड़ी कभी भी बंद नहीं होगी जब आप गाड़ी चला रहे हैं। अब चढ़ाई में देखिए आपको थोड़ा सा रेव ज़्यादा देना है क्योंकि गाड़ी को आपको मोशन में लाना है, तो हमेशा ध्यान रखिए चढ़ाई में आपको थोड़ा सा एक्सेलरेट ज़्यादा करना पड़ेगा ढलान के मुकाबले। तो ऐसे ही आपको गाड़ी चलानी है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पे क्या सावधानी आपको रखनी है, क्लच ब्रेक को कैसे अच्छे से यूज़ करना है, और चढ़ाई पे अगर आपकी गाड़ी रुक जाती है ना तो किस तरह से आपको अच्छे से उसे कंट्रोल करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी आपको अच्छे से। अगर कोई डाउट आपके मन में रहता है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या और भी कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।